वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सारिका त्यागी। आज दोस्तों मैं लौकी के कोफ्ते बनाने वाली हूं। उससे पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए वीडियो शुरू करती हूं। सबसे पहले हम दोस्तों ये लौकी लेंगे और इसको मैं अच्छे से चाकू से की सहायता से छील के धो के कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी को मैंने धो के अच्छे से और ये कद्दूकस कर लिया है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं निचोड़ के हाथ की सहायता से इस तरह से निकाल दूंगी। ये देखिए इसका पानी एक्स्ट्रा सब कुछ निकल गया है। इस तरह से हम इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और ये पानी में जो है इसका, ये जब बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है इसलिए इस पानी को मैं एक साइड में रख दूँगी, ये बाद में यूज करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पानी निकाल लिया है और एक प्लेट में कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, ये धनिया पत्ती, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, एक पिंच हींग, रेड चिली आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और ये धनिया पाउडर है ये एक चम्मच डालूंगा मैं इसको। फ्रेंड इसमें मैं डालूंगी दो चम्मच बेसन ऐड करूंगी, इसको मिक्स करना है। एक चम्मच बेसन और ऐड करूंगी मैं इसके अंदर, एक चम्मच बेसन और ऐड किया है मैंने। अब मैं इसमें लास्ट स्टेज पर डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। अब फ्रेंड मैं इसके अंदर डालूंगी ये नमक, नमक हम बाद में भी यूज करेंगे इसलिए मैं कम रखूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नमक मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे गोले इस तरह से बनाऊंगी, इस तरह से गोले तैयार कर लूंगी। ये देखिए, देखिए ये हमारे जो गोले हैं लौकी के, ये तलने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने गैस पर तेल गरम अच्छा से कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड, तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये गोले डाल दूंगी। ज़्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे ये थोड़े गोल्डन कलर आ चुका है और मैंने ये गैस बहुत कम रखी हुई है, हमें तेज नहीं रखनी है गैस, नहीं तो फिर ये ज़्यादा जल जाएंगे बाहर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आप धीरे धीरे पकने देना है इनको। ये देखिए हमारे लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब मैं इनकी ग्रेवी बनाऊंगी, इनसे कढ़ाई से निकाल लेना है इसको। इनका कलर देखना कितना बेस्ट आया है। ये सेम कढ़ाई में ही मैंने दो बड़े चमचे
तेल के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी। ये दालचीनी का टुकड़ा, ये दाल बड़ी इलायची है, ये तेज़पात है एक टुकड़ा, दो हरी इलायची, इन्हें हमें भून लेना है। ये खड़े मसाले हमारे भुन चुके हैं दोस्तों। ये मैंने पेस्ट बनाया है प्याज लहसुन और अदरक का, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इस पेस्ट को चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और ये मेरा लहसुन प्याज का पेस्ट बनकर तैयार है। मैं इसमें ये हरी मिर्ची डाल दूंगी। मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया है एक कटोरी, मैं इसको भी डाल दूंगी, दो से तीन टमाटर का। अब हम इसमें स्पाइसी डालेंगे, ये धनिया पाउडर आधा चम्मच, एक पिंच हींग आधा चम्मच, चाट मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, रेड चिली एक चम्मच, इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें जाएगा सबसे मेन चीज, वो है नमक। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, नमक कम ही यूज करना क्योंकि हमारे कोफ्ते हैं जो घिया के, उनके अंदर भी हमने नमक डाल रखा है। ये दोस्तों लौकी का पानी जो हमने निकाला था, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर हम एक बॉल सपने डाल देंगे और इसे इस पेस्ट के अंदर मिक्स कर देंगे। अगर आप ग्रेवी थोड़ी पतली खाना पसंद करते हो तो इसमें पानी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी, दो मिनट ही पकाना है हमें इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते दो मिनट तक पक चुके हैं। अब इनको मैं एक कढ़ाई से निकाल लूंगी और सर्व करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लौकी के कोफ्ते बनकर एकदम रेडी है और ये खाने में बहुत एकदम टेस्टी और सॉफ्ट है। आप इनको ज़रूर ट्राई करना, ये देखो। और ये घर पर बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हुई है तो लाइक ज़रूर करें। आइए।